नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में, जिसका नाम है टेलीमेट्रीज। आज का जो हमारा लेक्चर है कि जो हमारे इनवॉइस होते हैं, इनवॉइस नंबर, मान लो कि एक नंबर इनवॉइस नंबर मिस हो गया है टैली में ही, हो सकता है कैसे भी, ठीक है, तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज को जो हमारा जो आज का लेक्चर है वो उस फीचर के ऊपर है ताकि आप अपने इनवॉइस नंबर को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेंट्री की इफेक्ट से, ना भी किसी पार्टी की इफेक्ट से, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इनवॉइस नंबर को सेल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का जो फीचर है वही है। और एक और बात की, क्या आप किसी भी वाउचर को, इनवॉइस को जीरो ऑडिट पर सेल कर सकते हो? देखिए, करके देखते हैं ना। अकाउंटिंग वाउचर में जाना, उसके लिए आपको वाउचर, कोई सा भी वाउचर ले लीजिए और उसको सेव करके देखिए जीरो अमाउंट पे, ठीक है। यहाँ से ले लिया हमने आंवला प्लस, नॉट एप्लीकेबल करना है इसको। यहाँ से हमने क्वांटिटी ले ली है 70, बट यहाँ से जीरो लेंगे क्योंकि हमें अमाउंट जीरो लेना है और उसको सेव करना है। देखते क्या बताता है। तो यहाँ पे कह रहा है नो एंट्री इन वाउचर। अभी ये कैसे हो सकता है कि कोई इन्वेंट्री हमारी इफेक्ट भी ना हो और किसी पार्टी का लेजर ना घटे ना बढ़े, अमाउंट में ना घटे ना बढ़े, तो ये कैसे हो सकता है? तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट, है ना, वो इसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फीचर को एक्टिवेट करना है F11 को। F11 पे जाइए और उसके बाद जाना है इन्वेंट्री फीचर में F2 प्रेस करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे नंबर ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को बिना इफेक्ट किए हुए, किसी भी फीचर को नहीं, सॉरी, किसी भी पार्टी को, आइटम को इफेक्ट किए हुए आप जीरो रेट पे सेव कर सकते हो। इससे अगर हमारी कोई इनवॉइस नंबर मिस हो गया हो तो उस इनवॉइस नंबर को डालकर हम एक पर्टिकुलर को यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अब मान लीजिए कि जो 3 नंबर इनवॉइस नंबर है, ठीक है, इसको हमें करना है जीरो रेट पे सेव ताकि कोई पार्टी भी इफेक्ट ना हो। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका सीरियल नंबर गायब हो, डेट चेंज कर दीजिए, आपको डेट चेंज करना हो, और यहाँ से आपका सीरियल नंबर डाल दीजिए जो सीरियल नंबर आपका बीच में गायब हो उस मंथ पर्टिकुलर का, ठीक है, वो नंबर डाल दीजिए। और यहाँ से आप कोई भी पार्टी ले लीजिए जो आपकी पार्टी इफेक्टेड हो रही है, ठीक है, मई जैन ले लिया और इसको सेव कर दीजिए। आपको जो भी सेलेक्ट करना हो वो ले लीजिए, आपको क्लीन सेल्स में हुई हो चाहे से सेल्स से लीजिए, और वो आइटम ले लीजिए पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ से आपको ऑर्डर वाला भी लेना तो ऑर्डर वाला ले लीजिए, या तो बिना ऑर्डर वाला ले लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी है, किसी भी कॉन्टेक्ट से ले लीजिए, आप जीरो रेट पे कर दिए उसको। और कितने भी आइटम हो आपको वो दिखा दीजिए, कितने भी आइटम हो सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है। अग्रवाल में दिखा दीजिए, कोई बैच नंबर हमें मेंटेन नहीं करना है फिलहाल, हम यही ले लेते हैं और जीरो क्वान्टिटी, ओके, ठीक है। और मैनुफैक्चरिंग डेट जो है वो रहने दो। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी GST भी लगा लिया है और HGST भी हम लगा ही लेते हैं ताकि पता भी चले, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे इफेक्ट कुछ नहीं हुआ आइटम पे, पार्टी में जब आइटम में इफेक्ट नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट कैसा अमाउंट खड़ा होगा, है ना। तो अब हम सेव करके देख सकते हैं, तो देखते हैं सेव होता है फाइनली, एंटर करके देखिए, ये देखिए सेव हो गया है। तो इसका मतलब है कि हम कितने आसानी से जीरो रेट पे वो आइटम को इफेक्ट कर सकते हैं और अपनी इनवॉइस को जो हमारे बीच की मिस हो गई है उसको हम अपने इनवॉइस नंबर में नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली वहाँ पे यूज होता है, जैसे हम GST 3 भी भरते हैं ना अपनी, तो वहाँ पे हमें सीरियल नंबर देने होते हैं, अपनी GST 3 जब भरते हैं तो वहाँ पे हमें सीरियल नंबर देने होते हैं और उसके साथ हमें बताना होता है कि अगर कोई बीच का इनवॉइस मिस है तो उसको आप कैंसिल दिखाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैंसिल भी दिखा सकते हो और इस तरीके से आप इफेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो आज का लेक्चर वैसे भी बिल्कुल बेसिक था, अगर नहीं पता होता तो अच्छी बात है कि हमें और अच्छी जानकारी मिल गई है टैली के बारे में। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, गुड बाय।